स्टूडेंट्स क्या हाल है? ठीक है। आज केमिस्ट्री का हम एक टॉपिक पढ़ने लगे हैं, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। फार्मूला से आपको बताया गया था कि जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उनकी एब्रिवेशन यानी एलिमेंट्स जो सिंबल्स हैं उनको कंबाइन करके एक मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाया जाता है। दो किस्म के फार्मूलाज होते हैं बच्चों, एक होता है एम्पिरिकल फार्मूला और सेकेंड वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले हम पढ़ते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है, आपकी बुक कितने ही नंबर 13 में मेन टॉपिक एम्पिरिकल फार्मूला। मैं आपको बुक से ही करवाऊंगा ताकि जब आप घर पे हो तो आपको आपके सामने तो आपको इजीली समझ आए, साथ आप बोर्ड पर यूज करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला फाउंड इज द केमिकल फार्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट। यानी किसी भी एलिमेंट के, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो सिंपलेस्ट रेशियो एटम्स की वो बताता है एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन कंपाउंड हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन जो है आप देखेंगे वो क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। ठीक है, फॉर एवरी ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन कंपाउंड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एच, ये हाइड्रोजन हो गया। अगर हम बात करें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की, उसके अंदर हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के दो एटम है। देयरफॉर द सिंपलेस्ट रेशियो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो इज 1:1। ये कैसे आया? यहाँ पर अगर हम देखें हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 है। अब अगर हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला जब डेरिवेट करेंगे कैसे होगा, 2 को हम बाहर रखेंगे, H2O2 जो कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको, यानी कि 2 1 2 यानी हाइड्रोजन का 1 और 2 1 2 डिवाइड करेंगे इसको, क्या आ जाएगा 1, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो हमारे साथ है वो क्या आ जाएगी, बाकी यानी 1:1 आ जाएगा। यहां पर 2:2 थी जो कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला था। चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि एम्पिरिकल फार्मूला जो था सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ की एटम्स की किसी भी कंपाउंड के अंदर, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, एज अ होल 2 बिट्स को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा हमारे पास वो उसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। द सेकंड वन इज टॉपिक जो है वो दैट वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, पहले आपको इस एग्जाम्पल में पता लगे क्या होगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की एग्जाम्पल हमने दी जो H2O2 है, या हम वाटर की एग्जाम्पल लेते हैं H2O या सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4। ये जितनी भी आपकी बुक के ऊपर आपको कंपाउंड नजर आते हैं किसी फार्मूला के फॉर्म में, ये इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला ही होते हैं। जब भी हम किसी कंपाउंड को लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के फॉर्म में लिखते हैं। हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला गिव्स द एक्चुअल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स टू ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये जो एक्चुअल रेशियो होती है, जैसे आपने एक एग्जांपल दी गई है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, मैं दोबारा एग्जांपल ले रही हूं, आपकी बुक में भी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की एग्जांपल दी है H2O2, तो ये इसकी एक्चुअल जो है वो एटॉमिक रेशियो है हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ, यानी कि 2:2। तो 2:2 ये सब क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो ये फर्क है एम्पिरिकल फार्मूला में और मॉलिक्यूलर फार्मूला में, इसकी रेफरेंस दी हुई है, आप कर सकते हैं। ये पहला जो बोल्ड लेटर है ये और H O तक ये आपकी डेफिनेशन आ जाएगी एम्पिरिकल फार्मूला की, और इसी तरह जो आपका पहला बोल्ड से लेके H2O2 तक है ये आपकी मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन आ जाएगी। आप बुक से इसको पढ़ें और उसको याद भी करें, वो भी आपको समझ आ गया। बहुत शुक्रिया।